इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। शिफा हेल्पिंग सेंटर फ्री मेडिकल केयर भाई भूंगल में मुलाकात किया गया है, जो है नाम अंजुमन इस्लाम जिला पहलगाम। जितना हमने पहलगाम अंजुमन में काम किया उस तमाम हेल्पाम जो है वो सामने बैठे हुए हैं। जैसे अभी हमारे शहीद भाई ने कहा कि काम करने वालों की कद्र की जाए, हर जमाने में काम होते हैं और हर वक्त कुछ न कुछ अफराद उठते हैं और कौम मिलत के काम को आगे लेकर पढ़ते हैं। हमें जो अफराद कौम के अंदर से उभरते हैं उन अफराद का साथ देना चाहिए, उन अफराद का ताउन करना चाहिए। आज हालात सब हम पर मोशने पर तुले हुए हैं और हर एक हमारे पीछे लगा हुआ है, पॉलिटिकल लाइन से भी हो, दीनी लाइन से भी हो, दुनियाई लाइन से भी हो, हर चीज से हमारे पीछे लगे हुए हैं। कौम मिल्लत की खिदमत करने वाले चंद होते हैं, सब मिलकर उनका ताउन कीजिए। मैं गुजारिश करता हूं कि आसिफ साहब अजीज शेख साहब जो है इसके बाद में आपको कुछ ख्याल का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपके डॉक्टर्स का, अपना वक्त इस हकीकत में लगाए हुए हैं और शिफा सचिवालय का अजू घोषणा में यह महत्वपूर्ण की पिछले 5 महीने से काम करते आ रही है। लॉकडाउन से राशन तो मेडिसिन ऑक्सीजन सिलेंडर्स आपको तो ऊपर बड़े नीचे पर जाने को बताया तफसील में। हमारा काम यही है कि हम खिदमत करें और जहाँ भी जरूरत है अपने की वहाँ पहुँचे। आज पहले दिन में जो मेडिकल कैंप बता गया है, मैं सबसे सबसे प्रयास करता हूँ कि इसका फायदा होता है। आज के अपने चेकअप करवाए कुछ ही महीनों से लोग डॉक्टर पर जाने के लिए घबरा रहे हैं कि क्या वो सिविल हॉस्पिटल को जाते हैं। ऐसी बात कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपना आप चेकअप कराइए, मामूली सर्दी होगी खांसी होगी वहाँ पर ही बीमारी खत्म हो जाती है। और एक बार मैं डॉक्टर्स का और शिकायत लाइन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपको बोला हमें जब हम देख रहे थे वो नज़ारा हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसा रखा जाए, ऐसा अगर चलता रहा तो शायद पूरा बलगाम खत्म हो जाएगा ऐसा रहता है। फिर अगस्त का महीना आया, फिर हम लोग तरतीब हमें मालूम करने लगे कि यार सबसे पहले जरूरत क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कोशिश करें कि हमें ऑक्सीजन मिले लोगों को। तो सोना में बात करें अशफाक भाई, अमित भाई कोल्हापुर वगैरह में बात करें, जो कहीं से हमारे एक समीर मुलान जो कि बहुत हेल्प करें हमारे लिए कि इमीडिएट एक 120 सिलेंडर का इंतजाम हुआ बेंगलोर से। फर्स्ट डे राजू शेख साहब ने बोला कि पहले मंगा वहाँ से, तो इमीडिएट हमने 120 सिलेंडर 9 लाख रुपये का खरीदा। लोगों ने ताउन भी किया, साथ ने भी किया, सब लोगों ने किया, हमारे अल कलाम दर्शन के जो है उन्होंने भी ताउन किया। जैसे ही ये तरतीब शुरू हुई, ऑक्सीजन होता गया, लोगों को गवर्नमेंट ट्रीटमेंट होता गया, तो सबसे पहला ये है कि लोग डर रहे थे कि ये बीमारी शायद लोगों को ले नहीं सकती है, इसका ट्रीटमेंट नहीं है। ट्रीटमेंट उसका थोड़ा स्लो होता है, आप घरों में बैठ कर उसे 8-10 दिन लोगों को छुपाएंगे तो फिर वो बीमारी बढ़ते जाएंगे। हिंदू मूल संस्थान अध्यक्ष
ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಜು ಸೈಡ್ ಅವರು ಉತ್ತಮವಾದ ಕೆಲಸ ಬೆಳಗಾವಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆ ಸಲಹೆಗಳ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇವತ್ತೊಂದು ಉಚಿತವಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಿಯರ್ಲಿ 75 ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಉಚಿತವಾದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ತಗೊಂಡ್ರು ಈ ಒಂದು ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಣ್ಣ ಅವರು ಫೌಜಿ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಬಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಈ 2 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ತುಂಬಾ ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಒಂದು ಮಾತು ನಾನು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಈ ಕೋವಿಡ್ ರೋಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಅವಾಗ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ ಅಂತ ನೋಡಿದೆ ಆ ಇತಿಹಾಸ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ ನೋಡಿದಾಗ ಇಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಸೇವೆ ಅವರು ಇತಿಹಾಸ ನ್ಯೂಸ್ ಅವರು ಮಾಡಕತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೂಡ ನಾನು ಇತಿಹಾಸ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಮಾತು ಈ ಇತಿಹಾಸ ನ್ಯೂಸ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಿದು ಬಹುಶಃ ಇದು ಬೆಳಗಾವಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಇದು ದೆಹಲಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಸಹಕಾರ ನಮ್ಮ ರಾಜು ಸೇಠ್ ಅವರು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಮಹನೀಯರು ಬಂದು ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ವೇಳೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ ಬಟ್ ಹಮ್ ಚಾಹತೆ ಹೈ ಕಿ ಬಹುತ್ ಸಾರೆ ಲೋಕ್ ಬಾಹರ್ ಆಯೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೇನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा प्रॉब्लम क्या हो रहा है लोग डर के सामने नहीं आ रहे हम चाहते हैं कि इस कैंप के थ्रू वो डर खत्म करें अगर डर खत्म होता है तो लोग सामने आएंगे ट्रीटमेंट के लिए हमें भी आसानी होगी तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी स्पेशली लेडीज़ के लिए कि वो सामने आए और ट्रीटमेंट के लिए डरे ना हम हैं हमसे आगे भी हैं यहाँ पर जो उनका हमसे बेहतर ट्रीटमेंट कर सकते तो हम एक चैनल बनना चाहते हमारे थ्रू वो कहीं आगे बढ़ सके सो दैट इज़ द बेसिक थिंग हम चाहते हैं कि इस मेडिकल कैंप के थ्रू हो मतलब मुझे बहुत कम टाइम मिलता है सर तो जितने लोग आते हैं आई शुड ट्रीट देम अभी मतलब एक एक्सपोजर ज़्यादा होगा इस कैंप के थ्रू आई एम देयर फॉर देम कैन कम एनी टाइम